हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डायरेक्टरमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये जिसके लिए जो लास्ट डेट रखा गया है 13 नवंबर 2024 है। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 13 नवंबर 2024 तक जो IndianSeeds.com पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है ये इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए किया गया है और ख़ासकर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे पोस्ट अप्लाई किए गए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर है उसके लिए 49 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर्स के लिए भी है प्लस ट्रेनिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टोर्स के लिए भी है। तो जो यहाँ पर जो पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए किया गया है उसके लिए जो डिग्री जो मांगा जा रहा है वो BSc एग्रीकल्चर का डिग्री होना चाहिए विथ फिर 60% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्लस साथ ही साथ आपका कंप्यूटर का नॉलेज मैंडेटरी है। प्लस आगे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग की उसे क्वालिटी कंट्रोल के लिए उसमें BSc विथ 60% मार्क्स मांगा गया है। आगे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग मार्केटिंग है उसके लिए भी BSc एग्रीकल्चर प्लस साथ ही साथ जो कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। प्लस आगे आप देख सकते हैं कि जो ये आपका ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर से उसमें BSc एग्रीकल्चर विथ 60% मार्क्स होना चाहिए प्लस साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज। प्लस जो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर है इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो मिनिमम 55% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक कॉलेज इंस्टीट्यूशन से डिग्री लिया है वो भी ट्रेनिंग इंजीनियरिंग स्टोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। प्लस ये जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा ये जो पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है इसका जो है जो रिक्रूटमेंट होना है वो CBT जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू किया जाएगा। तो जो भी आप लोग जो एग्जामिनेशन पैटर्न आप देख सकते हैं दिया गया है फॉर डिटेल कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा स्टेज 1 होगा उसमें आपका 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा उसमें टोटल 100 जो फिर पार्ट 1 जो 70 क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा प्लस 30 क्वेश्चन जो है आपके जो रीजनिंग होते हैं एप्टीट्यूड जो होता है उससे रिलेटेड होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स लिस्टेड होंगे उसका फिर आपका उसमें जो है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है वो 35 मार्क्स रखा गया है। तो 35 मार्क्स जो भी लाएंगे वो प्लस इसके अलावा जो भी डिटेल दिया गया है वो आप नेशनल सीड कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर डिटेल देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 13 नवंबर 2024 तक IndianSeeds.com पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।